गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 12 में फिजिक्स में जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे थे मानव नेत्र, आज उसी के आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं मानव नेत्र से संबंधित जो दोष था। मानव नेत्र हमने पढ़ लिया था, उसमें संबंधन क्षमता, नेत्र की जो कोशिकाएं हैं वो बता दिया था और मानव नेत्र के भाग बता दिए थे। आज हम लोग मानव नेत्र संबंधित दोष पढ़ेंगे। देखो बेटा, नेत्र संबंधी दोष, तो बात करते हैं बेटा नेत्र संबंधी दोष कितने 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 हो सकते हैं। देखो, एक होता है निकट दृष्टि दोष, मैं तो इसे बनवा चुके हैं। ये क्या होता है निकट दृष्टि दोष, वो समझा चुके थे। लिखो पहले हेडिंग, लिखो निकट दृष्टि दोष, लिखो वह दोष जिसमें पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई दें किंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई दें। उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मतलब इसमें पास वस्तुएं साफ दिखेंगी लेकिन दूर की वस्तुएं नहीं दिख पाती हैं। ठीक है, परिभाषा लिख लिया। आप लिखो कारण, इसका कारण क्या है। देखो जैसे मानव नेत्र है हमारा, ये कोई वस्तु रखी है, और अगर रेटिना पर बन रहा है प्रतिबिंब तो आंखें क्या है, स्वस्थ। ये किसका प्रतिबिंब, मतलब स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब। आंखें इस सिचुएशन में स्वस्थ है क्योंकि इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। रेटिना पर बनता है तो आंखें क्या होती हैं, स्वस्थ होती है। अब बात करते हैं बिंदु वस्तु, इससे चलने वाली किरणें कुछ भी मान सकते हो। रेटिना के क्या पहले काट दिया, कहां पर थे, इसको ऐसे इस तरीके में बना सकते हो। ठीक है, जैसे ये बनाया है, ये मान लो वस्तु है, कहां पर काट दिया, रेटिना के पहले काट दिया। रेटिना था, रेटिना के पहले काट दिया। हमने बताया था जहां दो किरणें काटती वहीं पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो रेटिना के पहले काट दिया इसलिए इसे क्या कहते हैं, निकट दृष्टि दोष, क्योंकि पहले काट दिए ना। तो कारण लिखो, देखो प्रतिबिंब बनाने वाली किरणें, रेटिना के पहले काटती हैं, ये कारण है। दूसरा कारण लिखो, ये नंबर एक कारण, नंबर दूसरा कारण लिखो, और कारण क्या हो सकता है। और अगर कारण बताया जाए कि जो इसका निकट बिंदु है वो कम हो जाता है, निकट बिंदु क्या हो जाता है, जैसे निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है स्वस्थ आंख के लिए, अगर हमारे आंखों में दोष हो जाएगा तो निकट बिंदु कम हो जाएगा, हो सकता है 20 आ जाए, 15 आ जाए, इस तरीके आ जाता है। तो नंबर दूसरा कारण में क्या लिखोगे, निकट बिंदु कम हो जाता है। ठीक, आप लिखोगे निवारण, क्या लिखोगे निवारण। तो देखो ये स्वस्थ आंख का प्रतिबिंब है, ये जो ऐसा अगर बने तो ये दोषित है आंखें, मतलब रेटिना पर अगर नहीं काटेगा तो आप में दोष होगा, याद रखना।
तो ये आपके दोषी है, दोष है आंखों में। यहाँ कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। कौन सा? निकट दृष्टि दोष। ठीक है, तो ये बता देना। अब निवारण में, निवारण का मतलब क्या है, कैसे ये दोष को दूर किया जाए। जैसे देखो ये हमारा प्रतिबिंब है, इसके पहले हमने मान लो अवतल लेंस यूज कर दिया, क्योंकि अवतल लेंस किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। ये जब किरणें ऐसे जाएंगे तो ये क्या करेगा, फैला करके ऐसा फैला जाएगा कि कहां पर किरणें काटेंगी, रेटिना पर काटेंगी। ठीक है, तो ये निवारण होता है, ये निकट दृष्टि दोष का क्या हो गया, निवारण हो गया। तो ये निवारण का है, ठीक है, निवारण कर दिया गया है, मतलब ये दोष को क्या कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है। तो निवारण लिखो, इस दोष को दूर करने के लिए, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है। किरणें पहले काट रही थी, इन किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा, रेटिना पर बना देगा। ठीक है, ये इमेज बना लेना, ये सच अगर कभी कभी चित्र बनाने को आ जाता है, मतलब कभी कभी दे देगा, कह देगा बताओ इसमें कौन सा दोष है, अगर पहले काट रहे तो निकट दृष्टि दोष, अगर रेटिना पर काट रहे हैं तो कोई दोष नहीं है, लेकिन स्वस्थ आके इसको ऐसे भी दूसरी प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। ये क्या है, स्वस्थ आंखों के लिए। ठीक है, ये हमने कोई आपके मान लिया था, यहाँ बिंदु वस्तु मान लिया है, ये लिख दिया। अब आ जाओ, कौन सा दोष, दूर दृष्टि दोष। तो निकट दृष्टि दोष हो गया पूरा, आप देखते हैं दूर दृष्टि दोष, ये स्वस्थ आंखों के लिए ही होगा। ठीक है, अब आ जाओ दूर दृष्टि दोष, एडिंग लिखो दूर दृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष क्या है, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखेंगी लेकिन पास नहीं दिखेंगी। लिखो, वह दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखती हैं किंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखती हैं, उसे दूरदृष्टि दोष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। देखो कारण इसमें देखो यही होगा, देखो ये हमारी मान लो आंखें हैं, ये कोई बिंदु वस्तु है, ये पास के लिए ना मान लो ये दूर स्थित कोई वस्तु है ना, इससे मान लो किरणें चल रही है, इसे इसका भी बना लो, इसे बना है, इसमें क्या होगा, मान लो कोई बिंदु वस्तु है, इससे चलने वाले जो किरणें हैं ये कहां पर काटेंगे, रेटिना के बाद में काटेंगे। देखो रेटिना यहां पर है, काट कहां पर है, बाहर, और अगर रेटिना के बाहर काटे तो कौन सा दोष हो जाता है, देखो जहां पर प्रतिबिंब, जहां पर किरणें काटती है वहीं पर प्रतिबिंब बनता है, ये बाहर काट रहे तो बाहर प्रतिबिंब बनेगा, इस वजह से हमें बाहर का दिखता है, मतलब दूर का दिखता है, पास का स्पष्ट नहीं दिखता है। इसी वजह से कह सकते हो जब क्या है, जब दूर की वस्तुएं साफ दिखे लेकिन पास की ना दिखे, उसे क्या कहते हैं, दूर दृष्टि दोष कहते हैं। इसका कारण क्या है, पृथ्वी बनाने वाली किरणें रेटिना के बाहर काटती हैं, नंबर एक कारण लिखो, पृथ्वी बनाने वाली किरणें रेटिना के बाहर काटती हैं। दूसरा नंबर कारण बेटा लिखो, इसका दूर बिंदु बढ़ जाता है,
दूर बिंदु का इसका निकट बिंदु, सॉरी निकट बिंदु का हो, निकट बिंदु क्या होता है बढ़ जाता है, जैसे निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, अब ये क्या हो जाएगा, हो सकता है 30 हो जाए 35 हो जाए, तो निकट बिंदु क्या हो जाएगा बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि फोकस दूरी बढ़ जाती है, उसमें फोकस दूरी सुगुड़ जाती थी। तो ये हो गया क्या, देखो जो ये हो गया दूरदृष्टि दोष, अब आगे आ गया कौन सा इसका, ये तो कारण हो गया, निवारण में आ जाओ, निवारण क्या करोगे, देखो निवारण में बेटा निवारण में क्या करेंगे, जैसे हमारा आंखें थी इसके जस्ट पहले उत्तल लेंस यूज करोगे, उत्तल लेंस का काम क्या होता है, किरणों को क्या कर देना, सिकोड़ देना, और ये सिकोड़ कर जो बाहर काट के जिनको कहां पर, अब ये कहां पर काटेंगे, अब ये रेटिना पर काटेंगे, बात समझ रहे हो, रेटिना पर काट देंगे, तो कौन सा लेंस यूज करते हैं उत्तल लेंस, तो निवारण लिखो, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, ये बना लो ठीक है। अब आ जाओ कौन सा, जरा दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, जरा कितना समझते हो, जरा कुछ बुढ़ापा होता है ना, तो ये जब एज बढ़ती जाती है तब ये दोष होता है, तो लिखो देखो, जब आंखों को ना तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे ना पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे, उसे जरा दूर दृष्टि दोष कहते हैं, ना दूर की सही दिखाई देंगे ना पास की दिखाई देंगे, उसे क्या कहेंगे, जरा दूर दृष्टि दोष कहेंगे। और कारण क्या है इसका, उम्र के साथ मतलब एज इफेक्ट होता है, इसका कारण ये है। अब आते हैं बेटा निवारण में, निवारण क्या करते हैं, तो इस लेंस मतलब इसे दूर करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, द्विफोकसी लेंस यूज करते हैं, कौन सा, द्विफोकसी, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, लेकिन द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, बात समझ गए, कौन सा लेंस यूज करेंगे, द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, द्विफोकसी में कौन कौन, एक होगा कौन सा अवतल और एक होगा क्या उत्तल, मतलब ये चश्मे में दोनों होंगे। देखो हमें जब पास की वस्तु में साफ दिख ना होता है, पास की वस्तु में क्या, जब पास की वस्तु में साफ दिख ना हो तो कौन सा लेंस यूज करते थे, जैसे दूर का दिखता था पास का नहीं दिखता था तो उत्तल लेंस यूज करते थे, तो कह सकते हो कि जो उत्तल लेंस लगाते हैं वो चश्मे के नीचे लगाएंगे, आप लगाएंगे चश्मे के नीचे लगाएंगे, जब पास से दिखता था दूर का नहीं दिखता था तो हम लोग अवतल लेंस यूज करते थे, तो दूर का दिखता था, इसका कह सकते हो कि चश्मे के जो ऊपर है, चश्मे के ऊपर कौन सा लगाएंगे, अवतल लेंस लगाएंगे, जो क्या है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई देगा, तो देखा होगा बाबा लोगों के क्या है, जो चश्मे में लगा होगा दोनों लेंस लगे होते हैं, नीचे उत्तल लेंस होता है ऊपर क्या अवतल लेंस होता है, बात समझ लो। अब बात करते हैं अभिन्दुकता, लास्ट है कौन सा, अभिन्दुकता है, लिखो अभिन्दुकता, लिखो जब नेत्र को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं देखने, क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर स्पष्ट न दिखे, जब नेत्र को क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर वस्तुएं स्पष्ट न दिखे, मतलब इनको देखने में प्रॉब्लम होंगे, हो सकता है क्षैतिज ऊर्ध्वाधर दिखे ऊर्ध्वाधर क्षैतिज दिखे, तो इस प्रकार के दोष को अभिन्दुकता कहते हैं। निवारण में देखो ये चोट वोट की वजह से ऐसा हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम और भी हो जाती है इनका बीमारी की वजह से, ठीक है। निवारण में क्या है, बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, इस दोष को दूर करने के लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है, मतलब अभिन्दुकता अगर दूर करना है तो क्या यूज करोगे, बेलनाकार लेंस का उपयोग करोगे। तो ये तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म होता है, मेडिकल कल पढ़ेंगे, इसे फेयर में लिख लेना कंटिन्यू, और क्या इसे याद कर लेना, ठीक है, कल मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।